आप 12th पास है, क्या आपको पता नहीं है कि आप 12th के बाद किन किन स्ट्रीम्स में जाकर अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं? तो चलिए, आज की यह वीडियो आपके लिए होगा फायदेमंद और ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज से जागरूक हो सकेंगे। आज हमारे साथ आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफताब शेख है। आज हम इनसे बात करेंगे कि 12th के बाद बच्चे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के किन किन स्ट्रीम में जाकर अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो सर, क्या बच्चे 12th के बाद साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले अपने बेहतर भविष्य के लिए किस किस स्ट्रीम में जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बच्चों को जानना चाहिए कि हमें जो अगर साइंस लिया है तो इस साइंस में हम किन स्ट्रीम में एडमिशन ले। अगर यही चीज़ हम अगर कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में हम लोग किस स्ट्रीम में एडमिशन ले, और आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स वाले बच्चों को भी ये जानना चाहिए कि हम अगर 12th में आर्ट्स किए हैं तो हमें किस किस ब्रांचेस में आगे के लिए एडमिशन ले, जो हमारे बेहतर भविष्य बन पाए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और खास करके मैं ये बिहार के बच्चों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि उनको अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा गाइडलाइन नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है। तो आपने जो ये सवाल रखा है, ये बहुत बेस्ट सवाल है। आप जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर साइंस की बात, हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस में मैथ्स और बायोलॉजी होता है। अब इन दो सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। एक तो हम कहेंगे कि साइंस के बच्चे किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, उनके लिए कहीं भी कोई भी रोकने की कोई जगह नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो बच्चे जाते हैं वो मेडिकल लाइन में जाते हैं, MBBS करते हैं, BDS करते हैं, BMS, BHMS, BUMS, BYMS करते हैं। अगर उसके वो उनके कैटेगरी में नहीं है तो वो फिर पैरामेडिकल में आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको मेडिकल के अंदर आते हैं, तो बच्चे उसमें अपना स्ट्रीम बना सकते हैं। उससे अगर आगे बढ़ते हैं कि मेडिकल के बाद साइंस वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, ज्यादातर हमारे बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि और भी ऐसे ब्रांचेस हैं जहां उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकता है। एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जहाँ आप अपना बेहतर से बेहतर भविष्य बना सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट एक ऐसा है जिसमें आज के डेट में हर चीजें कंबाइंड हो गई है, जिसको गवर्नमेंट ने भी जो है अप्रूव किया है कि कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट के लिए बंदा रखना पड़ेगा। तो अगर साइंस स्ट्रीम के बंदे हैं वो अगर मैनेजमेंट में जाते हैं तो वो होटल मैनेजमेंट की लाइन में भी जा सकते हैं। अगर बात करें वो कि किसी BBA डिपार्टमेंट में, तो वो भी जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल लाइन में अगर जाना चाहे, अभी जैसा हम लोग देख सकते हैं कि फार्मेसी अपने आप में बहुत बड़ा एक नाम बनते आ रहा है। ज्यादातर बच्चे जो देर जा रहे हैं वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ स्कोप ज्यादा है। नर्सिंग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं क्योंकि वहाँ स्कोप ज्यादा है। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका कभी भी मतलब ये रेशियो कम नहीं होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट में, साइंस के स्टूडेंट जो है वो मैनेजमेंट स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल अगर वो चाहें तो फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, BGMC, जिस तरीके से आप और हम बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि आपका जो कोर्स होगा वो जर्नलिज्म से जुड़ा होगा, तो आपके अंदर भी ये चीजें, आप खुद साइंस के स्टूडेंट होंगे, आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो आप भी BGMC कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो साइंस में बहुत ऐसे स्कोप है जिसमें आप जा सकते हैं, बट ये आपको जानना जरूरी है कि आप किस स्कोप में जाए जो आपको बेहतर से बेहतर रोजगार मिले और आप बेरोजगार न बने। कॉमर्स की बात करें तो आप समझ सकते हैं साइंस में आप किन किन सब्जेक्टों में जा सकते हैं, किन किन कोर्सेज में जा सकते हैं। कॉमर्स की बात करें तो, अगर कॉमर्स की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे ज्यादा बच्चे बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनका स्कोप लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब हमारे यहाँ बिहार में खास करके देखा जाता है कि UPSC ज्यादा करते हैं, UPSC SSC में ज्यादा जाते हैं, तो उनका एक लॉन्ग स्कोप होता है। लेकिन शॉर्ट टाइम अगर हम शॉर्ट करना है, जल्द से जल्द हमें रोजगार चाहिए, हम अपने फैमिली को जो है एक हैंड्स प्रोवाइड कर सके, हम जल्द से जल्द उन्हें जो है हेल्प कर सके, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे हैं जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, BBA, BGMC, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टूरिज्म, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, ये ऐसे कोर्सेज बहुत सारे हैं जो कॉमर्स फील्ड में आते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे और भी कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस, बैचलर ऑफ न्यूरोटिकल में जा सकते हैं आप, और भी बहुत सारे ऐसे
कॉमर्स के अंदर आते हैं, उसमें बच्चे जा सकते हैं, सीए में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, अकाउंटेंसी देख सकते हैं, तो बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं बीकॉम करने के बाद। बीकॉम करने के जी बिल्कुल और आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं कि मैं किस किस फील्ड में जाऊं ताकि मुझे बेहतर भविष्य मिले या बेहतर कोर्स करके मैं सेटल हो सकूं, तो इसके लिए देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कॉमर्स के अंदर जो जो साथ साथ आर्ट्स को भी अवेलेबल करता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बीबीए कर रहा है, ठीक है, बीएमएस कर रहा है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट सर्विस, तो ये भी आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं और ये कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, आज हमारे घर में जब शादियाँ होती है, कहीं पार्टी होती है, कोई इवेंट मैनेजमेंट करना होता है, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को बुलाओ जिनको इवेंट का पूरा नॉलेज हो, हमको बस क्या करना है पेमेंट कर देना उनको। तो इस फील्ड में भी आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी आप आर्ट्स से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो है वो भी आप कर सकते हैं, और अगर इससे आगे बात करें तो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं, होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप बैचलर ऑफ डिजाइन में भी जा सकते हैं और बैचलर ऑफ हिस्ट्री भी कर सकते हैं जो आगे आने वाले वक्त में आप यूपीएससी एसएससी बीपीएससी इन सब की तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने यह जान लिया कि 12th के बाद किस किस स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है दोस्तों आपको, अगर आप 12th कर चुके हैं या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी भी आप बीएससी में हैं, तो एक बार अपने करियर के हेतु कंसल्टेंट से जरूर अपना काउंसलिंग करवाएं ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में अधिकतर काउंसलिंग में होता है और उसका आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता है मेरे अनुसार, और कंसल्टेंट भी है ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होता है ताकि आपको बेहतर गाइडेंस मिले और आप अपना बेहतर भविष्य बना सके। तो क्या आप अभी भी उसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा बेरोजगारी है? नहीं ना, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फिर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब।